हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। तो आज की स्टोरी बड़ी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आप अक्सर ये परेशान होते रहते हैं ना कि पिता ने कुछ कह दिया, माँ ने डांट दिया, पिता ने पिटाई लगा दी, भाई ने चिल्ला दिया, बहन रूठ गई, मित्र ने धोखा दे दिया, भगवान दुखी दुख दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब एक शिल्पकार पत्थर को तराशने वाला एक पत्थर को रोज तराशता रहता है, तराशता रहता है। तो ये बड़ी मजेदार कहानी है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एक जंगल से एक शिल्पकार गुजर रहा था। उसने विचार किया, क्यों ना मैं यहाँ के कुछ पत्थरों को तराशना शुरू कर दूं। वहां से वो एक पत्थर उठाता है और उसके ऊपर हथौड़े से वार करना शुरू कर देता है, औजारों से वार करना शुरू कर देता है। वो पत्थर चिल्लाता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो शिल्पकार कुछ देर के लिए रुक जाता है, फिर से उसके ऊपर हथौड़े से वार कर रहा है तो पत्थर रोने लगता है और कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब शिल्पकार उस पत्थर को छोड़ देता है। अब वहां से वो दूसरा पत्थर उठाता है और उस पत्थर को हथौड़े से मारने लगता है, औजारों से वार करने लगता है। वो पत्थर बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही चुपचाप उस दर्द को सहन कर रहा है। ठीक है शिल्पकार, जो मेरे साथ करना चाहता है करने दो। अब उस पत्थर में से एक मूर्ति, देवी की मूर्ति उभर कर आती है। वो शिल्पकार उस देवी की मूर्ति को वहीं एक वृक्ष के नीचे रख देता है, स्थापित कर देता है और चला जाता है। कुछ सालों बाद वो शिल्पकार वापस उसी जंगल में आता है तो देखता है, जिस पत्थर को मैंने मूर्ति में तराश दिया था, जिस पत्थर से देवी की मूर्ति उभरी थी, आज उस मूर्ति को लोगों ने सजा के रखा है। आज उस मूर्ति के लोग पूजा कर रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और बहुत सम्मान दे रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। वहीं उसने देखा कि आसपास बाकी पत्थर भी पड़े हैं, उसमें से एक पत्थर वो भी है जो पहले ये कह रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जिसको मैंने छोड़ दिया था। आज उसी पत्थर के ऊपर लोग नारियल फोड़कर उस पत्थर के ऊपर चढ़ा रहे हैं, जिस पत्थर को मैंने मूर्ति के रूप में बदल दिया। तात्पर्य ये हमारा जीवन है प्रभु। हमारे जीवन में जब दुख आता है, हमारे जीवन में जब परेशानियां आती है, तो हम कहते हैं प्रभु मुझे दुख मत दो, प्रभु मुझे दुख मत दो। पिता को कहते पिता मुझे मत मारो, माँ को कहते माँ मुझे मत डांटो, गुरु को कहते गुरु आप मुझे कुछ मत कहो, मैं जैसा हूं वैसा रहने दो। जब ऐसे कष्टों को हम जब सहन नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति बिल्कुल उस पत्थर के जैसे होगी जिसने पहले कह दिया कि मुझे छोड़ दो, आज उसके ऊपर नारियल फोड़ा जा रहा है। हमारी भी स्थिति वैसी हो जाएगी प्रभु। अगर हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उसको सहन करना सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान आपको बहुत सुंदर सा आकार देना चाहते हैं, भगवान आपको पॉलिश कर रहे हैं, भगवान आपको एक मूल्यवान बनाना चाहते हैं। तो मूल्यवान बनने के लिए पहले कष्टों को सहन करना सीखना होता है, कष्टों को सामना करना सीखना होता है। सुंदर से गुण अपने अंदर लेकर आओ और एक समय ऐसा आएगा जब आप वास्तविकता में सारी दुनिया आपको सम्मान देगी, सारी दुनिया आपके लिए तरसेगी कि ये काश मेरा मित्र होता, काश मुझे इसके जैसा बनना है। तो अगर वैसा बनना है तो फिर परेशानियों से भागो मत, दुखों का सामना करो, कष्टों का सामना करो, भगवान की प्रार्थना, भगवान की भक्ति करते रहो मेरे साथ प्रेम से धारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरे कृष्णा।